नमस्कार, मैं हूं शुपांडे और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक विशेष खबर जो कि जुड़ी हुई है इस समय की वायरल माइंड रीडर सुहानी शाह से। दरअसल बागेश्वर धाम के ऊपर आरोप लगने के बाद सुहानी शाह बहुत तेजी से सुर्खियों में आई और जल्द ही उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। दरअसल बात यह है कि सुहानी शाह बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों की बात को लगातार खारिज करती रही हैं। वह लगातार यह कहती रही कि यह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक ट्रिक है जिसे कोई भी सीख सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग सुहानी शाह की इस बात से इत्तफाक नहीं रखते और उनका कहना है कि सुहानी शाह जिस ट्रिक की बात करती हैं उसके हिसाब से किसी के विषय में बताने में एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की किसी के विषय में कुछ भी बताने की जो विद्या है वह बहुत तेज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चाहने वालों ने अब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। इस समय सुहानी शाह का एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें मुनव्वर फारूकी के साथ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस फोटो पर टिप्पणी करते हुए कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के विरोध का कारण क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुहानी शाह जिसके साथ रिलेशन में हैं उससे यह होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही कुछ लोग सुहानी शाह को आम आदमी पार्टी से भी जोड़कर देख रहे हैं। सच्चाई क्या है यह अपना अलग विषय है और अखंड भारत आज तक न्यूज़ इस विषय की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जनता की अपनी अपनी अलग अलग राय है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए अखंड भारत आज तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।